कई लोग बीच में ही वादा करने लगते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहां मेरठ में एक बार मुशायरा हुआ, अपर्णा जी, तो मेरे जैसे कवि आए, कई गजल सुनाने वाली कवित्रियां आई। एक कवित्री ने चार गजलें सुनाई, सामने हमारे नेता जी बैठे हुए, वो बोले कि लाली ये सब तो ठीक है, हमको गजल बदल से सुना। वो बोले कि नेता जी गजल ही तो थी। बोले अच्छा ये गजल की तो मां मां तो मैं आपको बता रहा हूं, जहां समझ में आए तो वहां तो वहां करें, जहां ना समझ में आए सोचे कि बहुत बड़ी बात चली है इसलिए वहां करें। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। और हमारी दादियां बैठी हैं, जानकी दादी आप उनके चरणों में एकदम तिरक रहा हूं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं, वो लोग भी बड़े पॉपुलर हैं, कैलाश जी भी बहुत लोकप्रिय हैं, हमको भी कुछ लोग पहचानते हैं, तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी पत्रकार मुझसे पूछने लगे, भव्य जी हमारे पत्रकारिता से ही हैं, बोले साहब पॉलिटिक्स में भी कुछ बोलोगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, धार्मिक मंच है, आध्यात्मिक मंच है, राजनीति में कुछ नहीं बोलूंगा। बोले आप भी तो गए थे राजनीति में। मैंने कहा गए थे, बात हमारे साथ हो गई, तो राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। चार पंक्तियां बोल रहा हूं, उन लोगों में और हम में क्या अंतर है, एक एक पंक्ति में आप अंतर समझते जाए तो अपनी वहां का परिचय बढ़ाना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। ये निश्चित रूप से हरियाणा वाले आदमी, हरियाणा का आदमी बताना नहीं पड़ता, हरकतों से पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा हरकतों में साड़ू है, साड़ू समझते हो, एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक। के स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। आगना कैलाश जी बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी।
कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आपको भी कहते होंगे लोग बाग बाग, आपके विषय में भी ये कहते होंगे। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, कोई भी आपको कहे कि क्या पागलपन करते हो, ये क्या करते हो, तो उसको उत्तर देना कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और ये प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति जो शिव बाबा के प्रेम में है, जो ईश्वर के प्रेम में है, उसका ईश्वर से क्या संबंध है? मैंने एक भी पंक्ति ऐसी नहीं लिखी प्रेम में जिसे मैं मंदिर में ना सुना सकूं। यही प्रेम है। जब मैं पहली बार कविता पढ़ने के लिए गया पंडा जी, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि प्रेम की कविताएं पढ़ने जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना। और आज 33 वर्ष हो गए, माँ सरस्वती ने कृपा की, उन्होंने कहा मोहब्बत की शायरी ऐसी पढ़ना कि माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। उनकी जिम्मेदारी है कि वह स्वर्ण स्वर भारत को घर घर पहुंचाएं, क्योंकि जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है कि ये खाइए ये मत खाइए, ऐसे ही आत्मा और मन के लिए भी एक डाइट आवश्यक है। स्वर्ण स्वर भारत आत्मा की डाइट है, मन की डाइट है। और इसी मन के साथ आप समझिएगा, निवेदन करता कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, फिर तालियां उठाना भी लाइन। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है। आगे वहां का है, ऐसे थोड़ी है। आपने हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में दो तरह की घोड़ियां होती है, एक रेस की घोड़ी जो एक बार टक बोले तो भागती है, एक बरात की घोड़ी है, उसके आगे जब तक नाचोगी वो चलती नहीं है। तो ये लोग रेस के घोड़े हैं, मैं बरात की घोड़ी हूं। जब तक बाहर नहीं आती कविता नहीं निकलती है अंदर से, इसलिए आप लोगों से कहें। सुनिए पंक्ति डॉक्टर मिलेश कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है। भैया वो कोई खैर क्या अपना भी रिश्तेदार होता है, वो कोई खैर क्या। ये पत्रकार लोग बैठे, आपको आश्रम के प्रबंधकों से अनुरोध करता हूं कि इनको जरूर समय समय पर पानी चाय पिलाते रहें, क्योंकि कार्यक्रम कैसा हुआ है कल पूरे भारत को इनके माध्यम से पता चलेगा। अगर ये प्रसन्न नहीं हुए तो कल हेडलाइन छपेगी, न जम पाया रंग कुमार और कैलाश रहे ठीके। और अगर ये प्रसन्न तो छापेंगे खूब जमा ब्रह्म कुमार इसमें आनंद, खूब बचाई कैलाश का, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है। तो वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर का अपना ही रिश्तेदार होता है। सतीश जी मुझे टाइम बता देना, मुझे पता नहीं चलता शुरू होने के बाद कहाँ रुकना है। एक बार तो मैंने अपर्णा जी 3 घंटे पढ़ दिया, तो आईएलएफ ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपने हद ही कर दी। मैंने कहा जी माफ करिए, घड़ी नहीं थी मेरे हाथ में। बोले सामने कैलेंडर लग रहा था वही देख लेते। वो कोई खैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। और यहां इस आश्रम में आए हैं लोगों, किसी से अपने दिल की बात तू कहना ईश्वर के अलावा किसी से मत बांटना अपना दर्द। पंक्ति सुनिए और फिर तालियों का उत्सव मनाइएगा। किसी से
तड़कना मर्द भी लग रही है, तड़कना मर्द भी लग रही है, मरांगे समन सीते इसने दुआ भी कर रहे हैं के समंदर भी कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, उसका फल तो मिला है इसमें। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, ये भगवान आपसे कह रहा है, प्रेम आपसे कह रहा है, समझिएगा। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो देसी वो होता है घर में टूथपेस्ट होता है टूथब्रश, अगर वो खराब हो जाए तो उसको फेंकता नहीं, उसको गर्म चाकू से काटता है, आगे वाले हिस्से से मूंछें रखने के काम में लेकर और पीछे वाले हिस्से में बदाम में नाड़ा डालने का देता है। दूध अलग